सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाली आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले पांच ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो कि भाई प्रो प्लेयर्स है ना हमेशा यूज करते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आप इस गेम में प्रो बन जाओ तो भाई ये जो पांच टिप्स एंड ट्रिक्स है ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लाइक आपका गेम प्ले ना भाई बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप इन्हें फॉलो करते हो इन गेम। तो मेक श्योर भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना, अभी तक लाइक नहीं किया ना भाई तो सबसे पहले वो कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके यार गाइस, तो बात करें अगर सबसे पहली टिप की ना तो ये बहुत ज्यादा क्रेजी टिप होने वाली है, वन ऑफ दी माय फेवरेट ट्रिक्स है अभी तक इस वाले वीडियो में। ये आगे भी बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन ये वाली जो है ना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखो जंप शॉट तो अपन सभी करते हैं यार, चाहे स्टेडियम हो या फिर क्लोज रेंज फाइट्स हो, कहीं पर भी फाइट होती है ना क्लोज रेंज तो जंप शॉट हमें कभी ना कभी करना ही पड़ता है। लेकिन सपोज करो आप जंप शॉट के साथ भाई क्विक प्रोन भी होने लग जाओ तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा ना भाई। तो ये जो चीज है ना ये बहुत ज्यादा किलर फीचर होने वाला है। एंड गाइस यार सपोज करो जब भी आप टीडीएम वगैरह खेल रहे हो या फिर आप भाई किसी भी क्लोज रेंज फाइट में और उसके सामने भाई आप जंप शॉट करके जाते हो तो बंदा सोचने वाला है भाई अब ये जाके यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, इसे मैं इजिली मार दूंगा। लेकिन सपोज करो उसी टाइम पे भाई आप ये वाली ट्रिक यूज कर लेते हो, लाइक फटाफट से क्विक प्रोन आप हो जाते हो तो भाई बंदा पूरा सरप्राइज हो जाएगा, बंदे का एम पूरा चोक हो जाएगा एंड इजिली आप उस बंदे को टेक डाउन कर दोगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं भी अभी इसे काफी दिनों से यूज करने लग गया हूं एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ये, क्योंकि आगे वाला बंदा भाई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि अब ये ऐसी चीज अपन कर देंगे उसके सामने। एंड गाइस यार इसको यूज करना भी बिल्कुल सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है। जंप शॉट आप जैसे ही लेते हो ना और जैसे आप जमीन पे टिकने वाले रहते हो आपको प्रोन का बटन फटाफट से दबा देना है एंड दैट्स इट, आपकी वाली ट्रिक है ना काम करने लग जाएगी। आपको जाना है भाई जंप लेनी है, फायर करना है एंड इजीली भाई आपको ये प्रोन वाला बटन दबा देना है। तो देखो इजीली जैसे मैंने अभी किया वैसे ही सेम आपको करना है, मैं फिर से जाऊंगा जंप करूंगा एंड फिर प्रोन वाला बटन दबा दूंगा। ये लो ये अपनी ट्रिक बहुत ज्यादा इजीली काम कर जाती है। तो ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं कि फटाफट आपको वेपन वगैरह चेंज करना पड़ेगा फिर प्रोन का बटन दबाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इजी टेक्निक है एंड एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। तो मेक श्योर इसको आप जरूर से यूज करना एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप इसे यूज कर पा रहे हो या फिर नहीं। ओके यार गाइस, तो बात करें अगर हमारी अगली टिप की तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। आप सभी को यार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती होगी कभी कभी बंदों को स्पॉट करने में, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते रहते हैं कि यार बंदे स्पॉट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें होती है। एंड ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, लेकिन ये वाली जो टिप है मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ज़्यादा माइनर से टिप है, लेकिन अगर गौर करोगे ना तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट अपने गेम प्ले के ऊपर डाल सकती है। तो चलते ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको दिखाता हूँ मैं आपको करना क्या है। सो गाइस यार बहुत से लोगों की ये वाली आदत होती है कि उनकी जो ये लेआउट होती है कि जो बटन्स हैं उनकी वो ट्रांसपेरेंसी एकदम फुल करके रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं एकदम। लेकिन इसका भाई एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूं फटाफट से। तो आपको सपोज करना है कि भाई यहां पे ना एक बंदा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, पहले मार्क लगा के मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ये मैंने मार्क किया यहां पे, अब सपोज करो यहां पे बंदा है और आपको भाई वो बंदा कभी स्पॉट ही नहीं होने वाला क्योंकि आपका जो ये फायर का जो बटन है ना भाई उसके अंदर वो छुप चुका है। तो आप सपोज करो वहाँ पे भी कभी बंदा होता तो भाई आपको स्पॉट कभी होने ही वाला नहीं था। लेकिन अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी बटन्स की कम रहती है ना तो भाई देखो वो बंदा कितने आसानी से हमें स्पॉट हो जाता है वहाँ पे। तो भाई यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी लेआउट लाइक आपने जो अपने बटन्स है ना उनकी ट्रांसपेरेंसी फुल कर रखी है ना तो भाई आपको करना कुछ नहीं, उनकी ट्रांसपेरेंसी आपको थोड़ी बहुत कम कर देनी है, इतनी कम करनी है आपको कि उसके आर पार है ना आपको ईजिली दिख जाए। अब देखो नीचे वाले बटन्स का मैं बोलूँ ना तो इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो ऊपर वाले बटन्स होते हैं ना लाइक हमारे फायर का बटन हुआ, स्कोप का बटन हुआ, लाइक जो फाइव फिंगर फोर फिंगर खेलते हैं उनके बटन्स और भी ज्यादा होते ऊपर, तो ऐसे में भाई स्पॉट करना बंदों को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि भाई हमारे पहले ये बटन सामने सामने आ जाते हैं तो भाई बंदे कहां से स्पॉट होने वाले हमें। तो आपको करना कुछ नहीं है, इतना आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है कि आप बटन्स के आर पार देख पाओ। गाइस यार यहां पे मेरी लेआउट भी आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ ज्यादातर है ना भाई ट्रांसपेरेंट कर रखा है। रीलोड वाला जो बटन है ना वो थोड़ा सा मैंने रख रखा है क्योंकि लो टोस एंड हाई टोस का फिर पता नहीं लगता कभी नेड वेड फेंक रहा हूं तो मैं। तो बाकी जो बटन देखोगे ना मेरे फायर के, जंप के, प्रोन के, स्कोप इन के, कैंसिल वगैरह के, वो सब मैंने हाइड कर रखे हैं। तो भाई मुझे अभी कोई भी इंटरप्शन नहीं होने वाला अगर मैं बंदे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा हूं तो भाई दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं कम कर लेना ट्रांसपेरेंसी एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा वो। ओके यार गाइस, तो बात करें अगर हमारी अगली टिप की तो भाई आपके साथ भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप कभी भी फाइट ले रहे हो, आप पीक लेके फाइट ले रहे हो तो आपका पीक भाई कभी कभी अटक जाता होगा या फिर आपका स्कोप कभी कभी खुला रह जाता होगा जिसके कारण भाई आप बहुत बार मर जाते होंगे। अब देखो पर्सनली जब मैं शुरू किया था ना पबजी खेलना तो मेरे साथ बहुत बार ये वाली प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उसी टाइम भाई मैंने इसका सॉल्यूशन है ना वो ढूंढ लिया था। तो भाई आप में से कई लोग अभी नए भी आ चुके होंगे गेम में तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई आपके साथ अगर ये वाली प्रॉब्लम होती है ना तो कुछ नहीं करना भाई, आपको जाना है सेटिंग्स में एंड देन गाइस आपको यार ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं ना यहाँ पे लीन मोड
एंड स्कोप मोड भाई, इसको आपको टैप से भाई होल्ड पे कर देना है, दैट्स इट। आपकी जो प्रॉब्लम है ना भाई वो पूरी की पूरी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी गाइस। आगे से यार आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लाइक आपका पीक हो या फिर स्कोप हो भाई कभी भी अटकने वाला नहीं है, कभी भी आप फायर कर सकते हो। फटाफट से जैसे भाई आप अपनी उंगली हटा लोगे ना बटन से, आपका जो पीक है ना भाई वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, लाइक आप उसको बार बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि पहले अगर टैप पे रखते हो ना आप तो पड़ती है वैसी जरूरत। लाइक आपको अगर स्कोप ओपन करना है तो भाई आपको पहले बटन तो दबाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर बंद करना है ना तो वापस से उसको प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जितनी देर तक आप बटन को दबा के रखोगे ना उतनी देर तक ही आपका स्कोप ओपन रहने वाला है, एंड जैसे भाई आप अपनी उंगली हटा लोगे ना बटन से आपका स्कोप भी बंद हो जाएगा। और सेम भाई पीक के लिए यहाँ पे काम करता है, तो दोनों जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी वो इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। ओके यार गाइस, तो आप सभी को पता होगा यार गेम में हमारे पास 3 स्लॉट दिए होते हैं वेपन के, जिसमें एक में भाई पिस्टल हम रख सकते हैं, पैन भी रख सकते हैं, पैन को हम नहीं काउंट करेंगे, पिस्टल को भी काउंट नहीं करेंगे। तो भाई 2 स्लॉट हमारे पास बच जाते हैं जिसमें हम 2 वेपन रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने AK में एक में रख रखी है एंड एक में भाई मैंने M416 यहाँ पे रख रखी है। लेकिन द प्रॉब्लम इसकी भाई जो मेरी वेपन की जो स्लॉट्स की जो प्लेसमेंट है ना भाई वो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड कर रखी है, और ये भाई आपकी डिफॉल्ट पे आती है एंड बहुत से लोग हैं ना आप में से उनका जो डिफॉल्ट पे ही होगा ये। एंड गाइस मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यार ये वाली जो पोजीशन है बटन्स की वो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर भाई आप इनको साइड बाय साइड से हटा के अप एंड डाउन रख लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वो रहता है। क्योंकि देखो साइड बाय साइड होगी ना तो आपको अपना थंब ज्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि वेपन आप फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो, क्योंकि फर्स्ट वाला जो वेपन का स्लॉट है ना वो बहुत ज्यादा बीच में हो जाता है एंड भाई थंब आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है उसमें। लेकिन उसी की जगह भाई अगर आप अप एंड डाउन इनको रख लेते हो ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। आपको हाथ है ना भाई अपना जो अंगूठा है उसको भाई पूरा खींचना नहीं पड़ेगा पूरी स्क्रीन के बीच में, एंड इजीली भाई आप वेपन के बीच में सिलेक्शन कर पाओगे, स्विच आराम से आप कर पाओगे एंड बहुत ज्यादा गेम प्ले भी आपका इंप्रूव हो जाएगा इससे। क्योंकि क्लोज रेंज फाइट्स में क्या होता है ना कि फटाफट भाई हमें काम करना रहता है एंड फटाफट इतनी जल्दी हो नहीं पाता एंड पूरा एम हमारा चोक हो जाता है वेपन ही सिलेक्ट करने में। तो ऐसे में भाई अगर आप साइड बाय साइड की जगह से अप एंड डाउन कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, फटाफट आपका वेपन स्विच हो जाएगा। सो गाइस यार आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी क्लोज रेंज फाइट में होते हो आप क्लच करने वाले रहते हो, आप 1v4 करने वाले रहते हो, तो अगर आपके HP वहाँ पे डाउन हो जाती है ना तो भाई पैनिक में भाई आप हेल्थ किट की जगह कभी बैंडेज पे टैप कर देते हो, बैंडेज की जगह कभी आप पेन किलर पे टैप कर देते हो। तो भाई ये वाली जो गलती है ना ये बहुत ज़्यादा बार मेरे साथ भी होती थी पहले, लेकिन भाई इसको सॉल्व करने के लिए बस आपको एक बटन टैप करना होगा एंड दैट्स इट, आपकी जो पूरी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में एंड देन गाइस आपको नीचे फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा हीलिंग प्रॉम्प्ट करके, इसको भाई आपको ऑन कर देना एंड दैट्स इट, जो पूरी प्रॉब्लम है ना भाई वो सॉल्व हो जाएगी। आपको दिखाता हूं मैं ऑन करने के बाद आपको क्या फर्क दिखने वाला है। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पे मेरी जैसी हेल्थ डाउन होगी ना भाई यहाँ पे बैंडेज अपने आप शो करने लग जाएगी, क्योंकि मुझे बैंडेज यहाँ पे लगानी होगी एंड अगर मैं थोड़ी सी अपनी HP और डाउन करता हूं तो देखना अभी क्या फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। और ये फटने वाला है हमारा नेड बूम, और यहाँ पे देख सकते हो आप ऑटोमेटिकली भाई फर्स्ट एड का ऑप्शन आ गया है, लाइक आपको बार बार अंदर जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे अभी फर्स्ट एड लगानी है, अभी मुझे बैंडेज लगानी है, ये अपने आप आपको सजेस्ट कर देगा जो आपके लिए वहाँ पे ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। तो भाई आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा एंड पैनिक अगर आप होगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी आपके लिए पड़ने वाला है। सो इस ऑप्शन को जरूर से टर्न ऑन कर लेना। एंड गाइस यार आपको याद होगा कि जब वीडियो स्टार्ट हुआ था ना अपना तो मैंने बोला था कि 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन 5 यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिए, तो लास्ट ये किस लिए रुका हुआ हूँ मैं? तो भाई आपको एक जस्ट प्रैंक के लिए मैं बता रहा हूँ, अपने दोस्त के साथ आपको ये प्रैंक करना है, जस्ट फन के लिए बता रहा हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं, उसका फोन आपको लेना है, उसकी सेटिंग्स आपको लाइक पहले पबजी ओपन कर लेना, BGMI ओपन कर लेना एंड फिर आपको उसकी सेटिंग्स में जाना है, लाइक जो गेम की सेटिंग्स होती है ना उसमें आपको जाना है एंड वहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना भाई तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जायरोस्कोप रिवर्स करके, लाइक जायरो रिवर्स करके कुछ ऑप्शन होगा, उसको आपको ऑन कर देना है। तो उससे होगा क्या भाई, जो जायरो है ना पूरा वो रिवर्स हो जाएगा, बंदे को पता नहीं लगने वाला, बंदा परेशान हो जाएगा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो भाई अगर आप ये प्रैंक करने में सक्सेसफुल होते हो ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। एंड या गाइस ये थी वीडियो हमारी यार आज की टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इन्हें गेम में फॉलो करते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते हो कि इसका Part 2 भी मैं लेके आऊँ, तो भाई उसके लिए आपको लाइक यहाँ पे कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पे न्यू आ गए हो, क्योंकि ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ जो कि आपकी गेम प्ले को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करती रहती है। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग। Thank you.